हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अमित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। क्या आप जानते हैं आपका हार्ट अच्छे से काम कर सके इसके लिए आपको रोज कितना पसीना बहाना जरूरी है? अमित, क्या आपको ये पता है कि आपके लंग्स मजबूत रहे इसके लिए रोज कितना दौड़ना जरूरी है, और आपका वेट मेंटेन रहे इसके लिए हर हफ्ते कितना चलना इंपॉर्टेंट है? मीनाक्षी, इस सब सवालों का एक ही जवाब है, हर दिन 30 मिनट का कार्डियो यानी हार्ट रेट बढ़ाने वाली, पसीना निकालने वाली और ब्लड को पंप करने वाली एक्सरसाइज। WHO के मुताबिक हेल्दी रहने के लिए हर दिन करीब 30 से 40 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और अगर इस रूटीन को फॉलो किया जाए तो हर साल दुनिया में होने वाले 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है। लेकिन मीनाक्षी, ऐसा सबके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, हार्ट कंडीशन और कई बीमारियां ऐसी है जिसमें चलना फिरना मुश्किल होता है। दौड़ना या ब्रिस्क वॉक करना तो दूर की बात है, ऐसे लोग किसी तरह का भी वर्कआउट नहीं करते। नतीजा क्या होता है? डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापे जैसी क्रॉनिक बीमारियां हमेशा के लिए उनको अपनी चपेट में लेती हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 64% लोग किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यानी देश की दो तिहाई पॉपुलेशन के पास अपनी सेहत के लिए टाइम ही नहीं है। WHO की माने तो दुनिया भर के 81% यंगस्टर्स हेल्दी रहने की गाइडलाइंस को पूरा नहीं करते हैं, और इसलिए देश में बीमारियों के आंकड़े भी डराने वाले होते जा रहे हैं। मीनाक्षी, भारत के 40% हार्ट पेशेंट 40 साल से कम उम्र के हैं, और स्ट्रेस के शिकार अगर कहते हैं तो 89% जनरेशन 50 साल से कम उम्र की है, और तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे ओबीज है यानी कि मोटापे का शिकार हैं। आपके ये तमाम आंकड़े तो मेरा पसीना वैसे ही बहा दे रहे हैं बिना एक्सरसाइज किए, बिना योग किए। आज हम उन जिम प्रेमियों को यही समझाना चाहते हैं कि जो मानते हैं कि योग में पसीना नहीं बहाया जाता, सिर्फ सांसों पर फोकस करना सिखाया जाता है, तो यह गलत है। तो मीनाक्षी, ऐसे लोगों को जवाब देंगे योग गुरु स्वामी रामदेव, जो बताएंगे कि कैसे 30 मिनट का पावर योग ना सिर्फ बीमारियों का करेगा दी एंड, बल्कि आपको बनाएगा फिट और स्मार्ट। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम, और देखो हमारा छोटा योगी सबसे ऊपर चढ़ गया है। वाह, और इधर से ये छोटे योगी मेरे साथ मोगरी भी घुमा रहे, दाएं बाएं दो दो हाथ कर रहे, और बड़े योगी ऊपर अनुलोम विलोम कर रहा है आसमान में, और कपाल भांति कर रहा है। क्या बात है, क्या बैलेंस है, और ऐसे चुस्ती स्फूर्ति। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ योगी जी महाराज। अब ऐसे स्वामी जी, अब हमारे पास तो मुग्धर नहीं है, हम क्या घुमाएं? ये तो मोगरी, दोनों अच्छा घुमा रहे, घुमा। मुझे लगता है हम हाथ घुमा सकते, आप अपने आप को भी घुमा लो। हाँ ये ठीक है, हम हाथ घुमा लेते हैं। ये और देखो, ये पूरे टंग गए दूसरे के ऊपर, अब पूरा क्या बात है। योगी ऊपर एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। वाह, कितना बढ़िया पिरामिड बना। और ऐसी चुस्ती स्फूर्ति जिन बच्चों में होगी, और कितना बढ़िया पिरामिड बना दिया है। खड़ा कर, हाँ, जोरदार तालियां हो जाए भाई। और अब ये तो कंटिन्यू चलेगा, अब छोटे छोटे बच्चे ऐसे मोगरी घुमाते हैं इस प्रकार से, और ये मोगरी 15-15, 20-20 किलो की है, बड़ी भारी भरकम है। हाँ, और जो ये ना घुमा सके बोल रहे थे, वो क्या करे? तो चलो सब खड़े हो जाओ, अपने आप को घुमाओ, अपने आप को हिलाओ। योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, 12 दंड 8 बैठक, और फिर अलग अलग प्रकार की कार्डियो एक्सरसाइज बताते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं, तो आप तो अपना करते रहना। और इधर जो है ये बच्चे अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, इस तरह से पूरी ये प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है। तो जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने अपने आप को उभार लिया। यहाँ एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, ये ले जाए बेटा भाई, मोनिका। इसको हालात ये हो गई थी मोनिका की, योगिक जोगिंग के 12 पोज करते हैं,
हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो कितने स्टीरॉइड दे देगा था मोनिका? 2000 एमजी स्टीरॉइड ये मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार सुना। मतलब मुझे मॉर्निंग में 1000 दिया जाता था, इवनिंग में फिर से 1000 दिया जाता था। मॉर्निंग में 1000, इवनिंग में 1000। दो दिन ऐसे दिया, फिर उन्होंने चार दिन 1000। पहलवान इधर आ, इसने सोचा मेरी बहन तो मरी जाएगी, ये इसका भाई। फिर इसको बोले बहन अपन योग करते हैं। अब कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? मुझे पिछले संडे ही आए थे हम लोग। तो अभी तो कितने दिन हुए? 7 दिन। 7 दिन हुए हैं। और स्टीरॉइड? स्टीरॉइड मैं घर से ही बंद करके आई। घर से बंद करके आ गई कि मुझे बाबा के पास जाना है। 6 महीनों से, पिछले 6 महीनों से आस्था चैनल देख के डॉक्टर ने जब इसको बोल दिया कि अब तू नहीं बचेगी, कि बहुत कम टाइम तेरा बचा है, तो इसने पिछले 6 महीनों से, तो 6 महीने से लगातार योग कर रही थी और एमएस की बीमारी थी, और एमएस की बीमारी जीतना ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उसको हासिल कर लिया। मोनिका के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। और इसके बगल वाली तो मरना ही चाहती थी, बैंक वाली, क्या नाम है तेरा? दीप्ति। वो बच गई, और इस बच्चे को देना। ये तो इतनी खराब हालत में है, इसके हाथ में पैर में तकलीफ है, फिर भी दौड़ रहा। हाँ, मैं तो मतलब भागता हूँ, दौड़ लगा लो, जो करा लो, मैं सब करने के लिए तैयार। हाथ की हालत देखो, ये पैर की हालत है, और पैर भी बचपन से है, और मेरी एलोपैथिक की दवाई जिंदगी में कभी बंद नहीं होती थी, अब 2 साल से कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ मैं। चलो करो, क्या बात है, अब पूरी दवाइयाँ इसकी बंद हो गई, सारी दवाइयाँ बंद हो गई है, और मेरी माँ भी मम्मी भी पीछे हैं, उनकी भी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। इसका विकलांगता, दिव्यांगता के बावजूद इसने अपने आप को उभार लिया। चलो ये करो बाबा जी। इसकी ये हालत थी कि ये 1 साल की जब था तो सब लोगों ने बोला इसे डंटा दे दो, ये तो चलने लायक नहीं है, तुम कैसे इसको ठीक कराओगी, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, कैसे ठीक कराओगी। लेकिन हमने, इसके पापा ने बहुत कोशिश किया, बोला मरते दम तक इसको खड़ा करना है, और बोला की आशा पूरी होगी, इसका बच्चा खड़ा। बोला बाबा जी ये तो टेक्निकल कर लिया, BBA कर लिया, MBA भी फाइनल हो गया। क्या बात है, मैंने MBA कर लिया है और अभी मेरी जॉब भी लग गई है। जॉब भी लग गई है अभी इसकी। देखो ये हौसले की जीत होती है। और दवाइयाँ छूट गई सारी, दवाइयाँ जो नहीं छूटी थी वो इंडिया टीवी ने छुड़ा दी। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक तो उधर इधर आ रहे, ये तो मैंने इसको जब सुना तो मैं तो हिल गया, मैंने कहा भैया इधर आ, जरा इसका भाई पहले तो सबसे पहले बोलने से पहले सुशील का अभिनंदन कर दो भाई। ये चलो आप ये करो, ये योगिक जोगिंग के 12 पोज करते करते ये योगाभ्यास करके क्या क्या होता है फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। सुशील लाइव एग्जांपल है। कितनी उम्र है भाई? मेरे साहब 45 साल है। 45 साल, क्या क्या करता था बता? मैं सारे पास में रख माइक। सुल्पा शराब, गांजा, शराब, स्मैक, गांजा, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। स्मैक भी लेता था? हाँ, स्मैक भी। क्या होती है वो? पेपर पे पी जाती है। पेपर पे पी जाती है सर। अच्छा, हाँ, मैं उसके बगैर तो रह ही नहीं सकता था। हमें बाबा जी यहाँ आपके धोरे 5 दिन से आया हूँ, तो मैं सही हूँ। 5 दिन से छोड़ी है? 5 दिन से छोड़ दी मैंने। 5 दिन से सारे स्वामी जी, ये तमाम अनुभव ये बताते हैं कि योग और आयुर्वेद से क्या नहीं हो सकता, बस जरूरी है कि इसे फॉलो करें। स्वामी जी, सिलसिलेवार तरीके से आप, क्योंकि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर ही चुके, आप योगिंग जॉगिंग बता रहे हैं, जरूर सेहतमंद रहने के लिए 30 से 40 मिनट पसीना बहाना आप खुद कहते हैं कि बहुत जरूरी है। आज उन सब लोगों का आप ये भ्रम तोड़ दीजिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि योग से पसीना नहीं बहाया जा सकता, जिन्हें ये लगता है कि कार्डियो के लिए दूसरी एक्सरसाइज करनी होती है। देखो कार्डियो के लिए इससे बढ़िया क्या एक्सरसाइज होगी, ये सबसे बढ़िया कार्डियक एक्सरसाइज। तो ये कार्डियो एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट है योगिक जॉगिंग, सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार, सबसे बेस्ट है भुजंगासन, सबसे बेस्ट है। अब देखो दोनों हाथों को ऐसे ही जो है ऐसे ही कर लिया लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये कार्डिक एक्सरसाइज में बेस्ट है। और जहाँ तक आप इनको स्पीड अप करके जब करेंगे, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और ये हमारे बच्चे तो खैर कुछ बड़े ही कर्तव्य वाले, एक बार तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं फिर से। तो अब जो योग करेगा, अब ये जो मोगरी घुमा रहे हैं लगातार रुक ही नहीं रहे, जब से चल रहा है तब से ये मोगरी के अभ्यास कर रहे हैं। अब इससे बढ़िया और कार्डियो एक्सरसाइज और क्या होगी, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये, फिर जो है ये, चलो लंबे लंबे श्वास। तो ये भ्रांति है विशुद्ध रूप से,
पूरा मिथ है, एक तरह से कुंठा है, दुराग्रह है। ये आज भ्रांति का अंत होगा और योग क्रांति का अब विस्तार होगा। लंबे लंबे श्वास ऐसे, जो जितना कर पाए सामान्य मध्यम या तीव्र गति से ऐसे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग गति बढ़ाते रहे। तो योगी योगी रिदम के साथ करें, यथाशक्ति करें, यथाशक्ति करें। ये इधर मेरा भाई जो दाएं बाएं हिल रहा है, ये तो इंडिया टीवी देख करके खड़ा होकर के यहाँ तक पहुँच गया है। क्या नाम है? सुरेश अग्रवाल। इसकी हालत तो ये थी, हाथ में क्या था तेरे? हाथ में फ्रोजन शोल्डर था, पैर में दोनों में L4-L5 स्पाइन का प्रॉब्लम था। डंडी से चलता? जी सर, लकड़ी से चलता था। अब इसकी डंडी छूट गई, बताओ। अब ये लंगड़ा लूला आया, लंगड़े चलने लग गए। बहुत 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 आभार स्वामी जी। लग गए, क्या क्या नहीं हुआ। चलो अब ये फिर देखो, धीरे धीरे करें। अब इसको तेजी से करें, ऐसे 100 बार कर ले, कितना ही कर ले। पाद हस्तासन, लंबे लंबे श्वास, हस्तपाद आसन। और अब जो ऐसे करेंगे, अब ऐसे फास्ट कर लो, ऐसे एक बार जरा 1 मिनट करके देखो, 1 मिनट में 100 बार हो जाता है ऐसे पूरा। अब जो 100 बार ऐसे कर लेगा, उसको इससे बढ़िया और कार्डियक एक्सरसाइज क्या हो सकती है। लेकिन चलो, दोनों हाथ सामने, सूर्य नमस्कार, तेजी से कर सकते हैं। मैं तेजी से भी कराता हूँ, धीरे धीरे कराता हूँ। 1 मिनट में 1 बार, 1 मिनट में 2 बार, 5 बार और 10 बार तक की स्पीड में कराता हूँ। लेकिन वो स्पीड अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगी। अभी हमारी माता जी कितना वजन कम कर लिया? अम्मा 96 से 90 का। हाँ जी, 6 किलो वजन कितनी दिन में? मैं सोमवार को आई थी। अरे, और मेरा नाम भी, हाँ जी, मेरा नाम ही ब्रह्म कुमारी है। ये भगवान की उपासक है, ब्रह्म की, ईश्वर की। मेरे पापा भी योग चाह रहे थे, पर मैंने योग छोड़ दिया। हाँ, योग छोड़ दिया था। अब मैंने एमए योगा कर रखी है, बीपीएड एमपीएड सब कर रखा है। चलो, फिजिकल टीचर थी पर बीच में छोड़ दिया था। हाँ जी, अब देखो ये सूर्य नमस्कार तेजी से करना चाहे। चलो बहुत अच्छा ब्रह्म कुमारी, अब तो 5 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया, फास्ट करो तो। चलो अब स्वामी जी, आपकी फीट को मैच कर पाना तो बहुत मुश्किल है। बढ़िया, और कार्डियक एक्सरसाइज क्या होगी? लेकिन स्वामी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि WHO के सर्वे ने युवाओं की तो पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि सर्वे ये कहता है कि 81% युवा दिन में सेहत के लिए 40 मिनट तक नहीं निकाल पा रहे हैं। ये पूरी दुनिया का हाल है स्वामी जी, आप इन्हें क्या राय देंगे? युवाओं का ये हाल है। तीन बाई छह की जगह चाहिए। जो अभी हम कर रहे हैं दंड बैठक लगाएं, जो जितना कर सकते हैं दंड बैठक के हम 5-7 अभ्यास भी कर लें तो उतना ही बहुत है। वैसे हम तो 50 अभ्यास बताते हैं, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम से लेके दंड बैठक से लेकर के हम तो 50 विकल्प देते हैं। 50 में से 5 को भी ठीक से अपना लिया तो भी उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन करना तो पड़ेगा। अब बच्चे आजकल इतने ज़्यादा प्रमादी हो गए हैं, और जिम भी बंद है, और जिम वाली जो एक्सरसाइज है ना, वो मसल्स तो बना देती है माना, और वो भी 4-6 घंटा पसीना बहाने के बाद। लेकिन देखो, जिम वाली जो एक्सरसाइज है, चलो करो मेरे साथ, जिम वाली जो एक्सरसाइज है वो आपका स्ट्रक्चर तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा कर देती है, बॉडी को शेप में ले आती है, कहीं कहीं टोले शोले भी बन जाता है, ट्राइसेप बाइसेप आदि। लेकिन जिम वाली एक्सरसाइज से आपके हार्डवेयर के साथ आपका जो सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आपका गड़बड़ हो जाता है। तो योग से ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये करें युवा, ये आज तो हम सिंबॉलिक बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इनको एक एक दो दो बार से शुरू करके ऐसे 10-10 बार तक ऐसे युवाओं को करना चाहिए, एक एक दो दो मिनट ऐसे। ये आप भुजंगासन करो सब, हाँ भुजंगासन करो। कुछ सोच रहे बाबा जी ने तो आज पूरा खड़ाई खोल दिया है।
ये ऐसे, तो ये जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। चलो एक एक करो, एक एक मखन पे चढ़ो, एक एक कर रहे हैं। यहाँ एसी स्टूडियो में स्वामी जी इतना पसीना बह गया, सुशील जी ने, लोग पता नहीं क्यों पसीना बहाने से इतना डरते हैं। स्वामी जी अब भारतीयों में मोटापा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहने दो, पसीना बहाओ रोग मिटाओ, पसीना बहाओ रोग मिटाओ, कोरोना मिटाओ, सब कोरोना मिटाओ, दारिद्र्य नैराश्य हटाओ। स्वामी जी हम लगे हाथ बच्चों के लिए बात कर लेते हैं, टपकना चाहिए। हाँ। जी स्वामी जी, बच्चों के मोटापे के मामले में तो हम दूसरे नंबर का देश बन चुके हैं। लोगों को लगता है कि योग से वजन कम नहीं हो सकता और ये पावर योग को लेकर बहुत तरीके के भ्रम हैं। तो ये आप थोड़ा समझाइए कि पावर योग आखिर है क्या और कैसे ये मोटापा कम कर सकता है। देखो एक पावर योग तो ये है जो मैं कर रहा हूँ, पलट दंड, चक्र दंड और ये लग गई सैर दंड। एक तो ये पावर योग है ऐसे वाला, अब ये तो सब कर ना पाएंगे, ऐसे वाला, ये वाला, तो क्या करें, मात्र चलो खड़े हो जाओ, बारह अभ्यास है ये, बारह अभ्यास, त्रिरेखताड़ासन, बारह अभ्यास बता रहे, फास्ट करो, थोड़ा थोड़ा फास्ट करो जिससे जितना बन पाए, लंबे लंबे श्वास भरो, ऐसे ऐसे, एक ये दो, ऐसे ये दो, त्रिरेखताड़ासन, त्रिकोणासन, ये कोणासन, ऐसे एक एक अभ्यास, ऐसे दस दस, बीस बीस, पच्चीस पचास, सौ बार तक जाएगा तो यही पावर योगा हो गया। सौ सौ बार त्रिरेखताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। अब बैठ करके बैठ जाओ और बैठ करके ये करो। चलो एक एक बालक तो मलख बकर रहा है और बाकी ए छोटे दोनों घुमाओ, मुग्धर घुमाओ, ए दोनों योगी हमारे लगे पड़े तब से मुग्धर घुमाने में, गोल गोल घुमाओ, क्या बात है, अपने सांस पर कितना अच्छा कंट्रोल रखते हैं, बड़ा जोरदार लड़का, एक बार थोड़ी ठोक दो इसके लिए। आप इतने तेज तेज योगाभ्यास करते हुए जरा भी कंपन आपकी आवाज में नहीं आता है स्वामी जी, ये कितनी मतलब कमाल की बात है, यहाँ हम लोगों का दम निकल जा रहा है। और स्वामी जी लगातार बात भी किए जा रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं। हाँ दूर रह जा, और ये जोरदार है जो अभी ये बालक घुमा रहा है, अब इसके मसल आप देखो जरा, और जिम वाले का मसल देख लेना, है जोरदार, ताली ठोको भाई इसके लिए। अब लोग सिक्स पैक बनाना चाहते हैं, बाइसेप ट्राइसेप बनाना चाहते हैं, ये तो मुझे लग रहा है एक पैक है, एक लकड़ को थोड़ा आकार दे दिया, मुग्धर बन गया, सिक्स पैक से ज्यादा ही है, एक पैक एब्स है, क्या बात है स्वामी जी, जो व्हाइट कलर के जो शॉर्ट्स में है वो भी जबरदस्त कर रहे हैं, देख ले जी। ओ भाई साहब बहुत बेहतरीन, यही तो कह रहा हूँ, ये जिम वाली बॉडी नहीं, ये योग वाली बॉडी है और बेहतरीन है स्वामी जी, उससे क्या नाम बेटा, वाकई में सही कर, अरे सही कर, इतना तगड़ा हो गया तू, ये तो बहुत दुबला पतला सा लड़का था, अरे बड़ा मजबूत हो गया तू, ये सैकत तो बहुत साधारण सा बालक था, इसने सौ सौ बार ऐसे मुग्धर घुमाया, ए तुम अपने हाथ पैरों को घुमा लो ना, मुग्धर घुमा नहीं सकते, चलो अपने आप को ही घुमाओ, ऐसे सौ सौ, चलो बैठो बेटा सब, अब मुग्धर बहुत हो गया, अभी मुँह से ले चढ़ जाएंगे नहीं तो, चलो ऐसे घुमाओ, और ये बच्चे एक एक करके, क्या बात है, ये अच्छा, ये तो बड़े फुर्तीले बच्चे हैं भाई, ऐसे कूद रहे हैं जो है, गोल गोल घुमा रहे हैं ऐसे, तो ऐसे फुर्ती के साथ सौ सौ बार जो अभी अभ्यास कर रहे हैं, चक्की आसन, सितकोण आसन, और देखो ये पश्चिमोत्तान आसन, सौ सौ बार कर लेना, क्या बात, ऊपर तक चढ़ जाओ, ए ऊपर तक चढ़ो, ऐसे ही गुलंची मार मार के, छलांग मार मार के ऊपर तक चढ़ जाओ। क्या बात है, सबसे छोटा कौन चढ़ता है फास्ट, हाँ ये ऐसे चढ़ जाते हैं, अब देखो उल्टी पलटी करते हुए, ए महेश जी आप करके दिखाओ,
ये तो इतना बैलेंस बनाते हैं, क्या नाम है सुशील जी ना, चलो कूद जाओ। ये अब देखो, ये सुशील हमारा, अब जिनसे ये है पावर योगा ऐसे। चलो उल्टे लेट जाओ, बाकी उल्टे लेट करके और ऐसे करो भुजंगासन 10 बार से शुरू करके 100 बार करो, 100 बार ऐसे। पसीना आ गया है, स्वामी जी पसीना भी आ गया है। इसके साथ स्वामी जी आर्थराइटिस के जो मरीज हैं वो खुद को कैसे फिट रखते हैं? सबसे बड़ा चुनौती उनके लिए होता है कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। योग से ऐसे कौन से मरीज खुद को फिट रख सकते हैं, वजन कैसे घटाएं और पसीना कैसे बहाएं? देखो उसके लिए भी बता देते हैं। अभी तो ये जो है वजन वाले पूरे हो गए। एक बार भाई जोरदार ताली बजा दो सुशील जी के लिए, क्या बात है। ये अर्धलासन, ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ए ऐसे 100-100 बार करना। तो ये पावर योगा है मीनाक्षी जी, यही पावर योगा है। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे और अरे राम, ये तो क्या जबरदस्त ट्रेन किया लड़का भाई, पूरा हनुमान जी का नया अवतार आ गया। मतलब ताकत भी है, बैलेंस भी है इस उम्र में। हनुमान जी की बहुत जय हो। स्वामी जी आपने बच्चों का भविष्य संवार दिया है। तो आप जो बोल रहे थे, देखो ये मोटापा के लिए तो पावर योगा बता दिया, अर्थराइटिस वालों के लिए आप पूछ रहे थे जी। अब देखो 100-100 बार जी अंगुलियों को, अंगूठों को ऐसे करना 100-100 बार, तो वजन भी कम हो जाएगा, अर्थराइटिस भी दूर हो जाएगा। ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को, हाथों के, पैरों के, ऐसे 100-100 बार ऐसे करते ही है। अब देखो हमने एक साथ पेट लिया है, जवानों को भी अंगुलियों को, अंगूठों को, पूरे पंजों को आगे पीछे दबाते हैं ऐसे ऐसे 100-100 बार, लेकिन लंबे लंबे श्वासों के साथ। कितनी बार? 100-100 बार। ए बोलो मैया, 100-100 बार। कुछ तो 100-100 किलो की हो रखी है ब्रह्मा कुमारी की तरह। 100-100 किलो हो गया था ये दोनों भाई, 91 किलो, और एक ही दिन में 2-2 किलो कम करके बैठे हुए। जरा दोनों के लिए ताली बजा दो। एक दिन में ही 2-2 किलो कम, और इनकी बीबी का थोड़ा धीरे धीरे खिसक रहा है। लंबे हाँ चलो 4 दिनों में 3 किलो तो घट गया। गोल गोल घुमाओ ऐसे, हाँ एक दिन में 3.5 किलो, झूठ तो नहीं बोल रहा है। ये खुद ही परेशान है कि ये हो क्या रहा है। कहाँ से आए सुरेंद्र जैन साहब? मैं हैदराबाद से आया सर। हैदराबाद से? हाँ हैदराबाद से। कितना था वजन? हमारे दोस्त को लेके आया था साथ में। हाँ कितना था तेरा वजन? मैं 96 kg था वजन। 96, और अब कितना हो गया? अभी 91.5। मैंने 60 डेज करा था चेक, मैं खुद परेशान हूँ। ये खुद परेशान है, इतना जल्दी कैसे कम हो रहा है? इसको खुद पर ही भरोसा नहीं हो रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा ये दोनों हमारे सरदार भाइयों को देना। 2 सालों से कोशिश करो 1 किलो की वजन। हमारे इंद्रजीत और बलविंदर को, ये पंजाब में ओहो इतना मक्खन खाते हैं पूरा हिंदुस्तान का जितना। हम दिल्ली से आए स्वामी जी, बलजिंदर सिंह बिंद्रा। तीन पीछे बेटा, पिछले हफ्ते बेटा आया था अमन बिंद्रा, उसी ने भेजा है बेटे ने। और कितना कम कर लिया? 3 दिन में 3 किलो। तीन दिन में 3 किलो, 1 दिन में 1 किलो कम। और वो भी इनकी उम्र में 2 किलो, और इनको तो पेन, और इस उम्र में, और इनको तो पेनक्रियाज का कैंसर भी हुआ हुआ है। अच्छा, लेकिन आप उसके ऊपर ब्रेक लगा दिए, ऐसे 100 साल जियोगे, 50.5 मौज करोगे, 50.5 रहोगे, योग करोगे, मौज करोगे स्वामी जी। ए तू तो झूठ बोल रहा है, इसको देना, इसके ऊपर FIR दर्ज करानी पड़ेगी, उसके पास ले जाना। ये तो गलत बात है बाबा जी। जब मैं यहाँ पर आया था 30 तारीख में, 80 किलो वेट किया था मैंने। हाँ। और नेक्स्ट डे जो है डाइट और योग किया आपका, 75 किलो आया। सच्ची बोल रहा है? बिल्कुल सच्ची है। और उसमें भगवान की कसम, भगवान की कसम बाबा जी, मैं चेक करने गया था सुशील के साथ में, और मैंने अपना वेट चेक किया क्योंकि मेरा पेट फूला फूला रहता था थोड़ा सा, तो उन्होंने मुझे डाइट दी आपके साथ, योग किया नेक्स्ट डे, और इस तरह से मतलब मैंने वेट जब मैं गया वहाँ पे डॉक्टर के पास, तो 75 किलो में हराम था बाबा जी, मैं खुद हराम था कि 5 किलो। लेकिन जिसको भी FIR करानी हो इसके ऊपर करवाना, ये करने पर ही पसीना निकल रहा है, करा सकते हो वेट। मैं बहुत हैरान था, मैंने घर में बताया अपने बच्चों को, वाइफ को, कि 5 किलो वजन कम हो गया, वो हैरान है। स्वामी जी ये लाइफ
और लाइफ दोनों ही चीजें हैं, लाइफ के भी और लाइफ भी, ये लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। अरविंद कहाँ से आया? रीवा मध्य प्रदेश। चलो भाई ये बताओ, चलो गोल गोल घुमा। स्वामी जी अब ये लोग तो देखिए कितने लकी हैं, आपके सानिध्य में वहाँ पर बैठ के योग कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक अपने सवाल भेजते हैं आपकी इजाजत से, क्या हम ये सिलसिला शुरू करें? कस्टमर बेस पता होना चाहिए मीनाक्षी जी, 400 करोड़ परेशान हैं ओवर वेट से, धरती माता के ऊपर बोझ इतना बढ़ गया है जी, अब वो सारे खुश हो जाएंगे कि ये तो एक दिन में एक एक किलो दो दो किलो भी घटा सकते हैं जी। तो ये आर्थराइटिस के लिए सारा लंबे लंबे श्वास ऐसे। स्वामी जी मैं कह रही थी अगर आपकी इजाजत हो तो हम दर्शकों के सवालों के लेना शुरू करें। कपाल भाती अनुलोम विलोम करके, अरे क्यों नहीं, जरूर लो जी, जी। प्रश्नों में तो समाधान सन्निहित है और करोड़ों लोगों को उससे अपने दुख दर्दों से मुक्ति मिलती है। पूछो जी, पहला सवाल शुभम का है। शुभम ये कह रहे हैं कि कमर में अकड़न और दर्द रहता है, उनकी हथेलियां सुन्न पड़ जाती हैं और बुखार आने लगता है, इसके लिए वो क्या करें? हाँ, हथेलियां सुन्न पड़ जाती हैं, अकड़न है, बुखार है, तो गिलोय पिए, सुबह से शाम तक गिलोय का ही पानी पिए, और अपना एक पीड़ांतक क्वाथ आता है, पीड़ांतक क्वाथ को भिगो के उसका ही पानी पी लें, पीड़ांतक क्वाथ और गिलोय का ही दिन भर पानी पिए, गिलोय एलोवेरा का जूस दिन भर पिए, और चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल अथवा ऑर्थो ग्रीटी, चंद्र प्रभा और गोक्षुरादि गुग्गुल खाए तो एक एक दोनों ले लें सुबह दोपहर शाम, नहीं तो ऑर्थो ग्रीट सुबह दोपहर शाम तीन बार ले लें, पूरी अकड़न खत्म हो जाएगी, शून्यता खत्म हो जाएगी और गिलोय से बुखार पूरा उतर जाएगा। और कमर के लिए जो हम आसनों का पैकेज बताते हैं, उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, मकरासन, धनुरासन और मरकटासन, ये अभ्यास कर लें जो हम अक्सर बताते हैं, अभी भी मैं खाली दो दो सेकंड के लिए बता दूंगा, ये उष्ट्रासन है और फिर उल्टे लेट करके ये मकरासन, ये तो खाली सिंबॉलिक बता रहे हैं, ये मकरासन, ये भुजंगासन, लोग बहुत परेशान हैं कमर दर्द से, ये शलभासन और ये धनुरासन और ये मरकटासन जो बहुत इजी है, तो मुझे लगता है ये करोड़ों लोगों की समस्या, जैसे मैंने कहा ना एक एक बीमारी से 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में 25-50, 100-100 करोड़ और मोटापे से तो 400 करोड़ लोग पीड़ित हैं। तो ये अभ्यास हम तो बताते हैं इंडिया टीवी पर, मात्र ये टीवी का शो नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान सन्निहित है। तो अगला प्रश्न ले लो जी। स्वामी जी, स्वामी जी साधना का सवाल है, वजन 74 है, कपाल भाती अनुलोम, और 5 साल से घुटनों में दर्द है साधना जी के जी, डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी है, और ऐसे में क्या योग के जरिए कुछ उनको हो सकता है, इलाज हो सकता है और वो रिप्लेसमेंट से बच सकती है? क्यों नहीं बच सकती साधना जी, योग की साधना करें, वेट दो 74 से जो है उनका 54 पर आ जाएगा। यह देख लिया आपने वेट कैसे कम होता है। और घुटनों को रिपेयर करने के लिए खाली पेट पीडानील गोल्ड एक एक गोली सुबह दोपहर शाम और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें, और अपने मसल्स को बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए मोरिंगा और इम्यूनोग्रिट वो भी एक एक गोली साथ साथ में खा लें। पीडानील तेल है हमारा, पीडानील पीडांतक तेल है, पीडानील स्प्रे है, उसको भी साथ में लगा ले, पीडांतक ऑइंटमेंट रात को लगा करके, और जो है फिर उस पर लपेट लगा करके सो जाए। और वेट को कम करने के लिए सुबह गोधन अर्क लें, ये गोधन अर्क बहुत अच्छा है, गोधन अर्क के साथ मेदो हरबटी भी दो गोली खा लें, जिनको स्किन प्रॉब्लम हो तो कायाकल्प या इसके साथ में नीम की गोली खा लें, कितने भयंकर स्किन प्रॉब्लम हो, और मोटापा के लिए दो दो गोली मेदो हरबटी और ये गोधन अर्क ले लें, कपाल भाती और आज जो वेट कम करने वाला अभ्यास बताए थे वो कर लेंगे, तो मोटापा और घुटना का दर्द दोनों से इनको मुक्ति मिलेगी। और मैं कहता हूँ 99% ऑपरेशन, 99% आप दवा और 99% अलग अलग लाइफ स्टाइल, जेनेटिक और इनकेरेबल डिजीज, जैसे मोनिका ने अच्छे के SLE MS ऑटोमेन डिजीज को क्योर कर सकते हैं, ये हमने करके दिखाया। बस साधना जी सहित सबको योग की साधना करनी पड़ेगी और यही सबसे बड़ा साधन है जी। कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, चलो अगला प्रश्न ले लो मीनाक्षी जी। हाँ, अगला सवाल संजीव का है। इन्हें कोरोना हुआ था और कोरोना के बाद फिर इन्हें चलने पर भी हार्ट बीट तेज होने की शिकायत है और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, रिकवरी के बाद भी इनके शरीर में अभी भी दर्द बना हुआ है, इन्हें क्या करना चाहिए?
तो देखो कोरोना का तो सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल इधर है, ये जो है मरने को हो गया था, इसको पूछा गया कि तेरा इंश्योरेंस है, बोला इंश्योरेंस है, तो बोला हमारे पास में आ जा तो इसका भी 20-25 लाख का बिल बना देते और हो सकता है बाद में डेड बॉडी आती। लेकिन इसने योग को अपनाया और हवालात क्या बेटा तेरी? अब तो बिल्कुल फिट हो गया बाबा जी। और पहले क्या हालत थी? पहले तो ये था कि मैंने खुद बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी माता पिता ने भी। ऑक्सीजन लेवल कितना आ गया था? ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो गया था मेरा। और एनर्जी लेवल और फेफड़ा? फेफड़े तो बिल्कुल ही कमजोर हो गए थे, मैं बिल्कुल ही डर गया था। और उम्र कितनी? उम्र मेरी अभी 35 साल है। लो अब ये एक लाइव एग्जाम्पल है, 35 साल का लड़का मरणासन्न हो गया था, फिर क्या किया? फिर मेरी मम्मी जी योग करती हैं, उन्होंने मुझे बुला लिया, कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कहीं हॉस्पिटल में तुरंत यहाँ आ जा, मेरे भाई ने आया मुझे लेके आया, और मेरी मम्मी जी ने गिलोय का काढ़ा पिलाया और पूरे सारे आपके काढ़े पिलाए, और मैंने आपका वो खाया, आपका जो आया है सोसारी गोल्ड सुबह शाम, बस सोसारी गोल्ड। और ये लाइव एग्जाम्पल है, कितनी कमजोरी हो करो बेटा, अनुलोम विलोम करो, कितनी कमजोरी हो इम्यूनोग्रिट पाउडर ले लो, इम्यूनोग्रिट विटामिन ले लो, तो गिलोय तुलसी का काढ़ा पी लो, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम, इन पांच चीजों में 2-3-5 का जो भी मिल जाए वो काढ़ा पी लो और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो। दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश ले लो, सुबह खाली पेट अंकुरित ले लो, आज पूरे अंकुरित और फल खाओ। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें भगवान ने दे रखी हैं, फिर भी हम पता नहीं क्या जहर खाते रहते, जंक फूड, फास्ट फूड, ये मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर, पिज्जा खा करके बर्बाद। स्वामी जी अगला सवाल भी ले लेते हैं इस बीच। वंदना का सवाल है, अच्छा, उनकी माँ 12 साल से शुगर और बीपी की शिकायत है, उनको वजन कम हो गया है और कमजोरी भी रहती है, कुछ उपाय बताएं आप। देखो अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी उद्गीत करो, सब भ्रामरी उद्गीत करो, ओम, फिर शीतली शीतकारी, ये जीवा बाहर निकाल के शीतली और जीवा धातु के पीछे लगा के शीतकारी, ये अभ्यास करने से और लौकी का जूस पीने से, लौकी का जूस पे, बस कड़वा नहीं होना चाहिए लौकी का जूस, उसमें तुलसी पुदीना आदि डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं और टेस्टी हो जाता है। बीपी घर पर बैठे ही क्योर कर लेंगे, नहीं तो थोड़े दिन मुक्तावटी या बीपी ग्रिट जो हम लोगों को देते हैं, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, ये थोड़े दिन दो दो गोली खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिट ले ले, पूरा बीपी एकदम 100% ठीक। अब बात रही शुगर की, शुगर के लिए मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद दो दो गोली ले लें, ये इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट। अब बताइए, और जो मंडूकासन में बैठो सब, चलो मंडूकासन, अब मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद और ये मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, जो डायबिटीज का पैकेज बताते हैं वो कर लें, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लें, हो सके तो उसमें गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, ये कई बार हमने बताया हुआ है, एलोवेरा, ये मिला करके गुड़मार और ये जूस पिला देते हैं। हम यहाँ टाइप 1 डायबिटीज भी अच्छा करते हैं, बाकी सामान्य शुगर की तो बात ही क्या। तो ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, अब थायराइड है तो उज्जय भी करा देते हैं, सिंहासन सर्वांगासन करा देते हैं, ये सब बीमारियां कंट्रोल ही नहीं अमित भाई, क्योर होती है, हमने क्योर करके दिखाई है सब जी, क्योंकि आप तो कभी कभी हमारे हमारा आतिथ्य स्वीकार करते हो। मीनाक्षी जी तो करीब हमारे 90-95% कार्यक्रमों की साक्षी रही है, लोगों का बीपी शुगर थायराइड, लेकिन आप फिट हो तो रोज योग भी करते हो, पहले अकेला जिम ही करते हैं, तो अमित भाई के लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। और स्वामी जी धन्यवाद, स्वामी जी मैदान जग में डटे हुए हैं, ये मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, बहुत बहुत आप जैसे फिट पत्रकार चाहिए हमें, बिल्कुल धन्यवाद स्वामी जी, फिटनेस में भी आइडियल हो और एंकरिंग में भी जी। स्वामी जी धन्यवाद। अब अमित जैसा शरीर सब लोगों को पाना है, फिट बॉडी फिट माइंड, तो ऐसे में खाना पीना क्या चाहिए, क्योंकि हेल्दी खाने से भी ये जो हार्ट है उसे स्वस्थ रखा जा सकता है। आप खुद कहते हैं कि योग के साथ साथ आहार क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और नाश्ता, क्योंकि दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है स्वामी जी, तो नाश्ता कैसा हो ताकि प्रोटीन, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव जी का समन्वय है जीवन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, ये जरूरी है, क्योंकि यदि हमारा न्यूट्रिशियस फूड नहीं होगा, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारे विटामिन्स और साथ साथ में ही ये प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन, वो भी नेचुरल,
तो ये सब नहीं होगा तो फिर हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसके लिए एक तो सुबह सुबह योग करें और योग के साथ और शंखनाद के साथ, देखो शंख भी बजाया करें, ये भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है। तो ऐसे शंखनाद करना चाहिए, ये भी एक उपाय है अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने का। बाकी तो सुबह सुबह खाली पेट जो है ये अंकुरित लेना चाहिए, सबसे अच्छा है। अब देखो ये है मेथी, अब ये मेथी ऐसे तो कड़वी लगती है, वैसे मुझे भी कड़वा कम पसंद है क्योंकि बचपन में कभी मेथी खाई नहीं। और करेले करेले शहर वाले तो खा लेते थे, हम गांव वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा लौकी तोरई बस ये खाते थे। तो अब लेकिन ये अंकुरण होने के बाद मेथी भी मीठी लगती है, ये मेथी, ये अंकुरित चना, ये मैंने भी इतनी एक्सरसाइज की, इसमें प्रोटीन भी बहुत होता है। फिर ये मूंग, ये प्रोटीन इसमें अच्छा होता है। फिर देखो इसमें डाल दें अनार, और इसको डाइजेस्टिव बनाने के लिए और खून को पतला करने के लिए ये प्याज को काट दे, ऑर्गेनिक प्याज हम बोते हैं यहाँ, ये प्याज। और इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें नींबू निचोड़ दे, ये नींबू निचोड़ दिया, क्या बात है। और देखने में भी कितना इससे इतना अच्छा हो जाता है ये। और अभी मीनाक्षी जी बोलेंगे बाबा जी इसमें सेंधा नमक और डाल दो थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल दिया, और फिर इसको हिला दो। अब कितनी रंगीन ये जो है आपकी सुबह होगी, कितनी अच्छी आपकी डाइट होगी। अब बहुतों को तो देख करके खाने को जी कर रहा होगा। स्वामी जी मेरा तो कर रहा है। अच्छा तो एक एडल्ट के लिए स्वामी जी इतना कटोरा बहुत है या छोटी छोटी कटोरी खाना भी बहुत है? इतना कटोरा एक के लिए, एक के लिए नहीं है तो पूरे खानदान के लिए बहुत है। एक के लिए तो इतना सही बहुत है, एक के लिए तो इतना ही बहुत है। ये किसका ज्यादा जीव चला रहा है, जीव मचला रहा है इधर। ये लड़का पहले चल नहीं सकता था, तो तालियां बजाओ भाई इसके लिए। ये देखो और अब कितना फुर्ती हाँ से ना होते हुए भी अच्छे से पढ़ाई की, अब नौकरी भी लग गई है और योग से चलना सीख गया। चलो चलो जोरदार तालियां हो जाए। अब स्वामी जी आप जल्दी से इस हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट का प्रसाद सबको दें, तब तक मैं जल्दी से बता देती हूँ कि कल क्या खास आप सिखाने वाले हैं। कोरोना का बुरा असर शरीर के साथ दिमाग पर भी पड़ा है। एक स्टडी के मुताबिक रिकवरी के बाद ब्रेन के कई पार्ट सिकुड़ते दिखे हैं, नतीजा लोगों की मेमोरी कमजोर हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन खराब हो रहा है। ऐसे में ब्रेन को कैसे करें फिर से हेल्दी और शार्प, कल स्वामी रामदेव बताएंगे योग प्राणायाम और ध्यान। सुबह 7:57 पर आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। जी स्वामी जी, तो ये तो स्मैक छोड़ करके अब अंकुरित खाने लग गया है, नहीं तो बीड़ी सिगरेट शराब सुल्फा स्मैक एक साथ इतने व्यसन करने वाला पहली बार योग ग्रह में आया, यहाँ टिक गया। हाँ तो एक दिन यहाँ भी चढ़ा दूंगा तेरे को, देखो वहां जा। स्वामी जी हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आज का एपिसोड देख के भी जो लोग पसीना नहीं बहाते हैं वो पसीना भी बहाएंगे और फिट भी रहेंगे। जय सो निहाल सो श्री अकाल वाहे गुरु जी का खालसा श्री वाहे गुरु जी की फतेह। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए हम, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए चुनाव के 2 महीने बाद भी बंगाल में कहां मिले हैं देसी बम। हाय आई एम सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।